हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, गांधी और जन आंदोलन के सेकेंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट को एक मास मूवमेंट का रूप दिया गांधी जी ने, और गांधी जी के एडवाइस पे खिलाफत जो कमिटी होती है वो नॉन कॉपरेशन पे उतरती है, एंड फिर खिलाफत कमेटी जो होती है खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाओ एंड इस मूवमेंट को लीड करो। तो गांधी जी और जो आगे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लीड किया खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, देन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बारे में देखेंगे, देन 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम जो दिए गए थे गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उसके बारे में देखेंगे, एंड लास्टली हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ जो हैं डिटेल में बना रखे हैं। सो आपको अगर डिटेल में वो वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी लगाने वाले थे टर्किश सुल्तान पे, खलीफा पे। खलीफा जो थे वो ट्रीट होते थे एज रिलीजियस पॉलिटिकल हेड, जो टर्किश के सुल्तान थे, टर्किश सुल्तान थे उनको खलीफा कहा जाता था, और उनको एक उपाधि दी गई थी, और माना जाता था कि जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर होते थे। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर हैं उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो सारे कौम के लिए ये जो चीज़ थी वो इंसल्टिंग थी। तो इस चीज़ को होने से रोकने के लिए, यानी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है टर्की के ऊपर ना लगाया जाए एंड टर्की के जो खलीफा हैं उनकी बेइज्जती ना की जाए, इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड जो मुस्लिम थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके एंड ब्रिटिशर्स बेइज्जती ना करें खलीफा का। तो उसी के तहत इंडिया में भी खिलाफत कमेटी जो है वो बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं खिलाफत कमेटी को, देन मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मुहानी, ये सारे लोग मिलके खिलाफत कमेटी जो है इंडिया में स्टार्ट करते हैं, एंड कंट्री वाइड एजिटेशन जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो हैं ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं खिलाफत मूवमेंट के अंडर में। इन फरवरी 1920 गांधी जी सजेस्टेड द खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट ए प्रोग्राम ऑन नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट बिहेवियर, एंड गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको ये सजेशन दिया कि भाई आप लोग जो कर रहे हो चलो ठीक है, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन का जो फंडा है वो अपनाओ ताकि सरकार को प्रेशराइज कर सको। देन ऑन 9 जून 1920 द खिलाफत कमेटी एट अलाहाबाद यूनानिमसली एक्सेप्टेड द सजेशन, एंड फिर खिलाफत कमेटी की मीटिंग होती है 9 जून 1920 को जिसके अलाहाबाद में, जिसके अंदर खिलाफत कमेटी जो है पूरी तरीके से एक स्वर में गांधी जी के इस एडवाइस को मान लेती है एंड गांधी जी से आग्रह करती है कि आप इस मोमेंट को लीड करें। सो ये है गांधी जी का व्यक्तित्व। द कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी viewed the Khilafat agitation as a golden opportunity for cementing the Hindu-Muslim unity and bringing the Muslim masses into the national movement. और गांधी जी और जो बाकी कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखा, एक स्वर्णिम चांस देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता को वापस से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत कमेटी ने बोला गांधी जी को कि आप लीड करें। सो 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जब पार्टीशन कर दिया गया था हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, उस समय से देखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो टूटती जा रही थी, वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तो गांधी जी और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने एक सुनहरा मौका देखा वापस से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जोड़ने का, और जो मुस्लिम मानसेस हैं मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी के जो आम जनता हैं उनको नेशनल मूवमेंट में जोड़ने का एक अच्छा चांस दिखा गांधी जी एंड बाकी जो कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको। देन द कांग्रेस
at its special session in September 1920 at Calcutta supported Gandhi's plan for non-cooperation for three causes. जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक स्पेशल सेशन बुलाया सितंबर 1920 में कलकत्ता में एंड वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया. उसके तहत बोला गया कि हम गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तीन कारणों से सपोर्ट करेंगे. तो वो कौन कौन से कारण, तो जो पंजाब में हुआ 1919 में जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ खिलाफत रॉन्ग, जो खलीफा के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उस चीज़ को सही तरीके से पेश किया जाए, मीन्स खलीफा के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज. इन तीन चीज़ों के लिए ही हम जो है गांधी जी के अंडर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करना चाहेंगे. The people were asked to boycott government educational institutions, law courts, legislatures, to give up foreign clothes, to surrender officially conferred titles and honors. और जो आम जनता थी उनको बोला गया कि किसी भी तरीके से आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करोगे, गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ है, कोर्ट है, लेजिस्लेचर है, उन सबको आप बाइकॉट कर दो. इनफैक्ट फॉरन जो क्लॉथ्स हैं वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे एंड जिनको भी सरकारी उपाधि दी गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो सब जो है सरेंडर कर दिया जाए. एंड इस तरीके से ये जो नेगेटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, द इंडियन सॉट टू रिफ्यूज टू कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड इस तरीके से इंडियंस जो थे वो रिफ्यूज़ किए दैट ब्रिटिशर्स वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विद यू एनी मोर, हम तुम्हारे साथ अब कोई कॉपरेशन नहीं करने वाले हैं, हम तुम्हारा किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे. ये एक तरीके से इंडियन पब्लिक के द्वारा दर्शा दिया गया था. द एडेप्टेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट which was initiated earlier by Khilafat Conference on 31st August 1920. तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनिशिएट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले, उसके बाद फिर गांधी जी को उसके अंदर इन्वाइट किया गया, लीडरशिप दिया गया और गांधी जी के एडवाइस पे ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी. ठीक है, तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनिशिएट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. द एडेप्टेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द कांग्रेस गेव इट अ न्यू एनर्जी एंड From January 1921, it began to register considerable success all over the country. और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएट किया गया था खिलाफत कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसके बाद फिर कांग्रेस जो है वो जुड़ती है इसके साथ जनवरी 1921 में. और कांग्रेस के लीडर्स भी जो हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे ही जनवरी 1921 से जुड़ते हैं उसके बाद बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है इस मूवमेंट में. और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही बड़ा सक्सेस प्रूव होता है पूरे देश भर में, क्योंकि देश की हर जो जनता है, आम जनता जो है इसके अंदर कूद जाती है क्योंकि पीछे से आवाज़ गांधी जी की है. द तिलक स्वराज फंड वॉज स्टार्टेड टू फाइनेंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और तिलक स्वराज फंड जो है वो स्टार्ट किया जाता है फाइनेंस करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. और लोकमान्य तिलक जो हैं वो, उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 में, उन्हीं की याद में जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है. देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके तहत बोला गया कि जो भी ये लॉ बना रहे हैं हम इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे. ये चलता है 1930 से 1931 तक. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द अनजस्ट एंड ट्रेनिकल. ट्रेनिकल मीन्स होता है एक्सरसाइजिंग पावर इन अ क्रूअल फॉर्म, मीन जोर जबरदस्ती से बिना किसी बेस के कोई भी रूल हम इम्पोज कर रहे हैं, जबरदस्ती हम जनता के साथ कर रहे हैं, वैसा जो पावर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको ट्रेनिकल कहते हैं. The civil disobedience of the law, laws of the unjust and the tyrannical government is a strong and extreme form of political agitation according to Gandhi. और गांधी जी ने बोला कि ये जिस तरीके से रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट में एजिटेशन होना जरूरी है, उसके अगेंस्ट में विद्रोह होना जो है बहुत ही जरूरी है, तभी शायद ये जो सरकार है इसको कुछ समझ में आएगा. देन लाहौर कांग्रेस
जो होती मतलब कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में 1929 में, जहाँ पे गांधी जी को ऑथराइज किया जाता है वर्किंग कमेटी के द्वारा टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो सिविल डिसोबीडियंस करेंगे साथ ही हम टैक्सेस भी नहीं पे करेंगे, इस चीज़ की अथॉरिटी जो है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी लाहौर सेशन में दे देती है 1929 में। द कमिटी ऑल्सो इन्वेस्टेड गांधी जी विद फुल पावर टू लॉन्च द मूवमेंट, और गांधी जी को फुल अथॉरिटी दे दी जाती है कि गांधी जी आप लॉन्च कीजिए, हम आपके साथ हैं। देन 11 पॉइंट का अल्टीमेटम जो है गांधी जी के द्वारा दिया जाता है लॉर्ड इरविन को। सो वो 11 पॉइंट्स क्या थे? तो गांधी जी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देते हैं थ्रू लॉर्ड इरविन कि भाई देखो यहाँ पे जो दारू है टबैको है उसको प्रोहिबिट करो, मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ लीकर एंड टबैको। देन जो एक्सचेंज रेशियो है रुपी का एंड पाउंड स्टर्लिंग का उसको चेंज किया जाए, क्योंकि कन्वर्जन करेंसी कन्वर्जन जो रेट था वो बहुत ही कम था, तो उसके लिए भी डिमांड किया गांधी जी ने। देन गांधी जी ने डिमांड किया टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, टू एब्लिश द साल्ट टैक्स, देन टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टू इम्पोज द कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरन गुड्स, क्योंकि फॉरन गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कुछ लग नहीं रही थी एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ही सामान ला के यहाँ पे बेचे जा रहे थे। देन एब्लिश द CID डिपार्टमेंट, रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको बिना किसी चार्ज के तुमने अंडर डाल रखा है, देन इशू ऑफ लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू द सिटीजन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है किया जाए लाइसेंस इशू किया जाए सिविलियंस को, इस चीज़ का भी डिमांड किया गया था। एंड गांधी जी ने बोला है कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल का जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो ये 11 जो पॉइंट्स हैं ये अल्टीमेटम के रूप में दिए गए थे लॉर्ड इरविन को गांधी जी के द्वारा, एंड बोला गया था अगर इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया तो फिर तुम देखना तुम्हारा यहाँ इंडिया में रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जब उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देन गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12th March 1930 विद हिज फेमस डांडी मार्च। तब जब ये 11 पॉइंट अल्टीमेटम को के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया विद डांडी मार्च, और उन्होंने सबसे पहले डांडी मार्च का जो काम है वो किया। एंड डांडी मार्च स्टार्ट किया फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन गुजरात कोस्ट। On 6th April, Gandhi ji reached Dandi, picked up the handful of salt and broke the salt law as a symbol of Indian people's refusal to live under British made laws and therefore under British rule. और 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया डांडी मार्च, साबरमती आश्रम से वो निकले, एंड डांडी जो है वो गुजरात कोस्ट है, मीन्स समुद्री किनारा, वहाँ पे गांधी जी पहुँचे 6 अप्रैल को, और वहाँ पे उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया और उसको फिर सारी जनता को दिखाया। और इस तरीके से सिर्फ जनता को ही नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि ब्रिटिशर्स देखो हमने तुम्हारा नमक बनाने का जो कानून है वो तोड़ दिया। और इस तरीके से ये इस बात से ये भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि हम डिसोबे करते हैं, हम एग्री नहीं करते हैं, हमें नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स के अंदर कोई रूल, ना ही हमें ब्रिटिशर्स का कोई रूल चाहिए, ना ही हमें ब्रिटिशर्स चाहिए यहाँ हमारे इंडिया में। People joined Hartal demonstration and the campaigning to boycott the foreign goods and to refuse to pay taxes. जो normal जनता थी वो हर चीज़ में involved हो रही थी, उन्होंने हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया, then वो लोग boycott कर रहे थे foreign goods का, वो लोग refuse कर रहे थे taxes pay करने के लिए। तो गांधी जी जो भी चीज़ें बोल रहे थे उन चीज़ों के ऊपर आम जो जनता है वो पूरी तरीके से अमल कर रही थी, गांधी जी के ऊपर लोगों को इतना विश्वास हो गया था। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द पीजेंट रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू एंड रेंट एंड हैड देयर लैंड्स कन्फिस्केटेड। A notable feature of the movement was wide participation of women. और ये जो movement था इसके अंदर एक सबसे अच्छा feature जो निकल के आया वो ये था कि औरतें भी अब mass movement के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी। Then Quit India movement. Quit India movement 1942, जहाँ पे एक धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो जाता है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो है सबसे famous
डायलॉग दिया, करो या मरो, और उन्होंने बोला इस बार हम आज़ादी पाने के लिए या तो कुर्बानी देंगे या तो आज़ादी पा के रहेंगे. द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, राइजिंग प्राइसेस एंड वार टाइम शॉर्टेजेस एंड जैपनीज फ्रेट फोर्स द कांग्रेस टू टेक एक्टिव स्टेप टू कंपेल द ब्रिटिश फॉर एक्सेप्टिंग इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस. वर्ल्ड वार चल रहा था, देन क्रिप्स मिशन जो है वो भी फेल हो जाता है. वर्ल्ड वार की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं, एंड एक तरीके से खतरा ये भी रहता है कि जापनीज़ लोग कहीं इंडिया पे अटैक करके, ब्रिटिशर्स को भगाने के चक्कर में जापनीज़ लोग इंडिया पे आके अटैक कर देंगे और वही हम पे राज ना करने लगे. सो इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं टेंशन में आया, एंड उसने फिर और कंपेल करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि इंडियंस की जो डिमांड है आज़ादी की डिमांड वो पूरी की जा सके. द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन 8th August 1942 एंड पास द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. इट प्रपोज द स्टार्टिंग ऑफ नॉन वायलेंट मासेस स्ट्रगल अंडर गांधीज लीडरशिप टू अचीव दिस एम. और इस तरीके से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो बॉम्बे में मिलती है, एंड 8 August 1942 को रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. एंड हमने देखा कि 8 August 1942 को ग्वालियर टैंक जो मैदान था वहाँ पे गांधी जी ने भाषण दिया था, एंड हर एक तबके के जो लोग थे, इंडियंस थे, उन सबको उन्होंने संबोधित करते हुए उन सबको उनका उनका काम बताया था, और जो आम जनता थी वो बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया. बट आगे क्या होता है, वेरी नेक्स्ट डे ये जो मोमेंट स्टार्ट होता है, उसके नेक्स्ट डे 9th August 1942 को गांधी जी एंड बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको कैद कर लिया जाता है, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है. तो ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि कोई भी जब बड़े लीडर को जेल में बंद कर दिया जाता था तो लीडरशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती, तो लीडरशिप ख़त्म होने के चक्कर में आम जो जनता थी वो समझ नहीं पाती थी कि किस तरीके से हम जो हैं चीज़ों को आगे बढ़ाएं. सो 9th August 1942 को अरेस्ट कर लिया गया था गांधी जी को और जो बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको. द लेफ्ट लीडरलेस एंड विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन द पीपल रिएक्टेड इन एनी मैनर दे कुड. और जब लीडरलेस हो गई जनता, मीन्स उनके लीडर्स को जब बंद कर दिया गया जेलों में, तो उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो पब्लिक इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उनको जैसे मन हो रहा था वैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था उनके अंदर. ऑल ओवर द कंट्री देयर वर हड़ताल, स्ट्राइक्स इन फैक्ट्रीज, स्कूल एंड कॉलेजेस एंड डेमोंस्ट्रेशन विद व्हिच वेयर लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन. और जनता को जैसे समझ में आ रहा था वो वैसे हड़ताल कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी फैक्ट्रीज में, देन स्कूल एंड कॉलेजेस लोगों ने छोड़ दिए थे बच्चों ने, देन डेमोंस्ट्रेशन किए जा रहे थे जिसकी वजह से लाठी चार्ज किया जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, हर कुछ हो रहा था पूरे देश भर में. द पीपल टुक द वायलेंट एक्शन एंड अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी. क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने सबसे आग्रह किया था कि हम ये नॉन वायलेंस के रास्ते पे फॉलो करके अचीव करेंगे. बट जब गांधी जी एंड की पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको कैद कर लिया जाता है, तब पब्लिक जो है वो पूरा कंट्रोल खो बैठती है, अपना आपा खो बैठती है, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये बहुत ही वायलेंट रूप ले लेता है, और जहाँ भी ब्रिटिश सिंबल दिखा, अथॉरिटी दिखा, वहाँ पे पब्लिक जो है वायलेंट होकर उसके ऊपर अटैक कर देती थी. इन जनरल द स्टूडेंट वर्कर्स एंड पीजेंट्स प्रोवाइडेड द बैकबोन टू द रिवॉल्ट, वाइल द अपर क्लासेस एंड द ब्यूरोक्रेट्स रिमेंड लॉयल टू द गवर्नमेंट. और जो आम जनता है, जो आम स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उन सब ने रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, और जो बड़े बड़े जितने भी मास मूवमेंट हुए उन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी जो है, मीन्स बैकबोन जो है, वो साबित हुए जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स और जितने भी वर्कर क्लास के लोग थे वो सब, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एंड अपर क्लास के लोग थे वो तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर ही रखते थे. बट गांधी जी के कहने पे बहुत सारे लोग जो हैं इन सब चीज़ों में भी कूदे, मीन्स नेशनल मूवमेंट में भी आए थे, एंड गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव में ही सुभाष चंद्र बोस अपनी सिविल सर्विसेज जो हैं वो छोड़ते हैं और इंडिया की आज़ादी के लिए कूद पड़ते हैं. इन द एंड द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन
क्रशिंग द मोमेंट, और जब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबको जब कैद कर लिया जाता है तो धीरे धीरे करके इस मोमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। बट तब तक ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी समझ जाते हैं कि अब उनका यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। सो ये गांधी जी की कुछ तस्वीरें, और ये जब नमक बनाने का कानून तोड़ा गया था तब का है, यहाँ पे गांधी जी हैं। तो ये जितने भी मास मोमेंट होते थे उस समय लोग उनके साथ किस तरीके से साथ जुड़ते थे, इन फोटो के द्वारा साफ दर्शाया जाता है, साफ पता चलता है। सो ये था गांधी एंड मास मूवमेंट के बारे में। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।